अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है एट्रोपिन। एंटी मस्कुरैनिक एजेंट है, बेसिकली कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट है। पिछली वीडियोस में हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को कवर कर लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट एट्रोपिन। तो स्टार्ट करते हैं एट्रोपिन। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एट्रोपिन इज़ अ टर्शरी अमाइन बेलाडोना अल्कलॉइड, यानी कि बेसिकली एक प्लांट से हासिल होता है। इट हैज़ हाई अफिनिटी फॉर मस्कुरैनिक रिसेप्टर वेयर इट बाइंड्स कम्पिटिटिवली एंड प्रिवेंटिंग एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू दोज साइट्स। यानी कि ये हमने पीछे जो पढ़ा, एसिटाइलकोलिन बेसिकली जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर था, ये उसके एंटी है, उसके खिलाफ काम करता है और ये मस्कुरैनिक रिसेप्टर के ऊपर इसका ज़्यादा मुलदखल है। एट्रोपिन एक्ट बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे का इसको होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एक्सेप्ट वैन प्लेस टॉपिकली इन आई, यानी कि अगर आप आँख में इसको डालेंगे तो इसका जो असर है वो कई दिनों तक रह सकते हैं। अब आगे इसके एक्शन दिए हुए हैं। आई के अंदर क्या है जी, डायलेट द पीपल ऑफ आई, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता था। ये डायलेट द पीपल ऑफ आई क्या करता है, मेड्रियासिस, जबकि कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट हैं तमाम वो म्यूसिस काज करते हैं और जो ये एंटेगोनिस्ट हैं ये मेड्रियासिस काज करते हैं। नैरो एंगल ग्लाकोमा में यूज़ होता है। इंट्राकुलर प्रेशर में राइज डेंजरसली। GIT के अंदर क्या है जी, मे बी यूज एज एंटी स्पाजमोडिक टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द GIT। ये पैरासम्पैथोमिमिटिक की एंटी है, यानी कि पैरासम्पैथोलिटिक है, तो इसलिए ये एंटी स्पाजमोडिक है, यानी कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। सलाइवरी ग्लैंड में जारी बात है ड्राई इफेक्ट होगा, स्वेलिंग एंड टॉकिंग बिकम डिफिकल्ट। और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इट रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एट लो डोज इट डिक्रीज कार्डियक रेट और हाई डोज के ऊपर कार्डियक रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। एट्रोपिन इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, द स्किन बिकम हॉट एंड ड्राई। और थेरापूटिक यूज़ है इसके, यानी कि आई के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन यूज टॉपिकली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक डिस्क फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। इसके बाद एंटी स्पाजमोडिक है टू रिलैक्स द GIT एंड ब्लैडर। एंटी सेक्रेटरी है, एजेंट टू ब्लॉक सेक्रेशन इन अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड सलाइवरी सेक्रेशन बिफोर द सर्जरी। मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि 4 से 6 घंटे इसका इफेक्ट रहता है। मोशन सिकनेस होता है यानी कि चलने फिरने की वजह से अगर आपको बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो तो उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। जैसे कुछ लोग अगर सफ़र में जाते हैं तो उनको सफ़र में जाने जाते ही उल्टी आ जाती है सफ़र के दौरान, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि फाइजोस्टिग्मिन जो है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का एंटीडोट है, तो इस तरह ये जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो है एंटीडोट है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है जी, रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, मेटाबोलाइज बाय लीवर, एलिमिनेटेड प्राइमरीली इन यूरिन, और हाफ लाइफ इसकी 4 घंटे है। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं डिपेंडिंग ऑन द डोज, अगर डोज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे। काज ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर और रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन। तो ये था हमारी आज की ड्रग एट्रोपिन। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।